जब से प्लान बना रहे हैं तब से हर बार बोल रहे हैं बहुत ठंडी होने वाला है, बहुत ठंडी होने वाला है, हुडी पहन के मेरी हालत खराब हो गई है। इसके एक ग्लास गायब है, अगर ये पहन लूँ तो क्या हालत होगा? क्या बांध रहा, क्या लिखा था, क्या कुछ लिखा बेटा? Assalamu alaikum, namaste and hello everyone, it's me Arbao Hussain. Welcome to my YouTube channel AH Vlogs. वैसे कैसे हैं आप? All good, me too good. बताना चाहता हूँ कि एक मिनट बैग थोड़ा रखते हैं, ओपनली बात करते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि हम एक पहाड़ों पे ब्लॉग बनाएंगे, पहाड़ों पे जाकर। मेरे अपकमिंग व्लॉग जो है वो पहाड़ों में होने वाले हैं एंड सीरियसली आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, उस ब्यूटी को कैप्चर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो प्लानिंग हो रहा है गाइस, तो स्टे ट्यून। तो वो व्लॉग आज होने जा रहा है। जी हाँ राइट बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं हाजी मलंग। तो हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं जो कैमरे के पीछे है और लेंस के पीछे, बताते हैं। उनका नाम है आकाश वैद्य साहब। तो ये हमारे भाई बहुत ही अच्छे हैं, पिछले हर वीडियो से लेकर हम इनको लेकर चल रहे हैं साथ में। तो कुछ टाइम पहले हमारा प्लान बन रहा था, मेरा और आकाश का फ़ोन पे बात चल रही थी कि हम जाएंगे कोई माउंटेन क्लाइंबिंग का करते हैं, कहीं पे जाते हैं, प्लान करते हैं। तो दिमाग में आते आते इसने बोला कि यार हाजी मलंग मैंने सुना था बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पे जाके देखते हैं। फर्स्ट मैं कभी गया नहीं हूँ एक्चुअली, बचपन से अभी तक मैं गया नहीं हूँ। सो अभी जाते हैं, देखते हैं। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हर बार तो जाके आ चुका है, उसको सब पता है। तो मैं एक्चुअली पहले भी जाके आ चुका हूँ। तो वो हम आकाश के साथ जा रहे हैं हाजी मलंग, उनको हमारा ट्रिप करवा देंगे। और ये जो ट्रिप होगा गाइस 2 डेज़ का ही होगा, हम एक्चुअली सैटरडे निकल रहे हैं। राइट नाउ हमें बोरवली स्टेशन पे एंड अब निकलते गाइस। जो भी होगा हमारी और इसकी ज़बानी होगी और देख लीजिए जो भी होगा, बाकी तो आप समझदार हैं। तो गाइस अभी प्लान हो रहा है कि अभी हम यहाँ से दादर जाने वाले हैं एंड दादर से फिर हम कल्याण के लिए ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लोकली ट्रैवल करेंगे, कोई जैसे है लाइफ स्टाइल वैसे दिखाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे बेसिकली। तो अभी जा रहे टिकट के लिए। चलने वाली है, ट्रिप चालू हो चुका है, आप भी एंजॉय करिए। क्या हालत है? तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दादर एंड अब हमको लेने रिटर्न, सॉरी गलत जगह पे। एक्चुअली हुआ ये कि इतना भीड़, सैटरडे को यूजुअली नहीं होता ना भीड़, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लगा। रुकावट के लिए खेद है बॉयज एंड गर्ल्स, आगे की बातें मैं बताता हूँ आपको। फाइनली हम दादर पहुंच चुके थे एंड नेक्स्ट ट्रेन जो हमें पकड़ना था वो था कल्याण का। तो हमने जैसे ही इंडिकेटर में देखा वैसे ही हम 9:11 होके भागे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर। अच्छा और एक बात, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ की भीड़ की अच्छी एक्सपीरियंस होगी, अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो खुद ही देख लीजिए। भीड़ है कल्याण स्टेशन में मिलता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कल्याण, ट्रेन में चढ़ चुके हैं। भीड़ देगा ये होती है रेल लाइन ट्रेन की,
लोकल ट्रेन है, तो आओगे तो भैया समझ लेना लड़ाई। मिलते हैं डायरेक्टली कल्याण स्टेशन पे उतर कर, आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही होगी आपको, मिलके बात करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कल्याण स्टेशन जंक्शन, कल्याण जंक्शन। एंड अब यहाँ पे पहुंचने के बाद में पता चला है कि हमें जाना है मलंगगढ़। एक्चुअली मैं बहुत बार जा चुका हूँ, बट क्या है कि मैं डायरेक्टली कार वगैरह में ट्रैवल करता हूँ, तो डायरेक्टली भाइयों के साथ फैमिली के साथ कार में चले जाता था। 150-160 ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ का अगर आप ट्रांसपोर्ट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मतलब कि यहाँ पे जो रिक्शा वगैरह है, ऑटोज वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर बसेज भी अवेलेबल है गाइस यहाँ पे, बहुत लिमिटेड बसेज है, सो हम लोग अभी रश कर रहे हैं। एंड देख सकते हैं ये है कल्याण स्टेशन, लेट्स सी क्या होता है, पूछते हैं पहले। अभी पहुँच चुके हैं फाइनली, एंड प्यास बहुत ज़ोरों से लगी थी तो हमने स्प्राइट लिया। तो अभी फटाफट ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं हम कौन सा बेटर ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। तो नंबर ना सर नावास गाय नाव मलंगगढ़ मलंगगढ़। तो गाइज अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बस ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है आपके लिए। हम अभी चूज़न किए कि बस से जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिक्शा जो है ऑटोज वगैरह बहुत ज़्यादा ही चार्जेस करते हैं राइट। तो अभी आकाश ने एक्चुअली, तो आकाश एक जगह पे गया एंड पूछा तो बोलता 150, पहले तो 200 बोल रहा था लेकिन इसने बोला नहीं 200 में नहीं जाना है, तो 150 में आया। फिर बाद में हमने बोला नहीं यार नहीं जाना है 150 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। अब बसेस में बहुत ही कम रेट है यहाँ का, तो आप इजीली जा सकते हैं। बताता हूँ, हाँ बस यहाँ पे आते हैं अगर आप, तो मलंगगढ़ है बस का नाम, ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन के नज़दीक ही है बस स्टॉप, एंड इजीली आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं बस। फाइनली हम बैठ चुके हैं, थोड़ा ग्लासेस निकाल लेते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, जब से प्लान बना रहे हैं तब से अरबाज बोल रहे हैं बहुत ठंडी होने वाला है, बहुत ठंडी होने वाला, हुडी पहन के मेरी हालत खराब हो गई है। तो मैं एक्चुअली कब से इसको बोल रहा था कि यार हम जाएंगे वहाँ पे बहुत ठंडी होगी, क्योंकि वो क्लाइमेट वहाँ का अलग है, मुंबई है, मुंबई के अंदर ही आता है कल्याण भी, बट एक थोड़ा डिस्टेंस में है, ओपन एरिया है तो ठंडी ज़्यादा रहती है, आपको भी पता है। तो मैंने इसको बोला था भाई कुछ भी करके तुम कुछ ऐसे वार्म क्लोथ्स वगैरह पहन के आना, तो ये भाई एकदम हुडी हुडी पहन के, कोई नहीं मैं टी शर्ट पहन के आ गया, मैं चालान चलते हैं। कुल्फी वाले भैया भी आए हैं यहाँ पर, गर्म तो सीरियसली बहुत हो रहा है। अब देखते हैं वहाँ का क्या हाल है ऊपर जाकर, दंगर ही है ना भाई, मलंगगढ़ पहाड़ मलंगगढ़ बोलकर जगह है, तो ये भाई ने हमें बताया, थैंक यू। तो मलंगगढ़ वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या मौसम है वहाँ का, मतलब क्या क्लाइमेट है, इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी है। जर्नी इट्स ऑन यू, किसी तरीके जैसे बहुत गर्मी हो रही है, वैसे इसलिए प्यास भी बहुत लगी थी हमें, तो हमने ये स्प्राइट बॉटल लिया। देखा भैया ठंडी नहीं है यहाँ पे, ठंडी नहीं है यहाँ पे, हम सोचे ठंडी होगी, देखो भैया इग्नोर करके जा रहे। चलो कोई नहीं, मिलते हैं डायरेक्टली, हाँ जी मिलते हैं। बस स्टार्ट हो चुकी है अभी, हम निकल रहे हैं सफ़र के लिए, तो हमने टिकट ले लिया गाइस, एक्चुअली 20 रुपीज़ पर टिकट,
अब बाहर से जाते तो कम से कम 150-200 बोल रहे थे ऑटोज़ वगैरह का, बट गाइस आप अगर नॉर्मली ट्रांसपोर्ट यूज़ करके तो घूम के काम है, आके बैठना है कि तो ये भाई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा 20 रुपीज़ में आप आराम से पहुंच सकते हैं मलंगगढ़ हाजी महल फोर्ट, तो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाजी मलंग मलंग घाट। सीरियसली जो ट्रैवल था हालत खराब हुई इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही प्रॉपरली कुछ खाया नहीं है वरना अभी पेट में मिक्सचर हो जाता पूरा। राइट फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी, एंड अभी हमारा प्लान है कि अभी रुक कर कहीं पे थोड़ा खाना वाना खा लें, क्योंकि मॉर्निंग से हम सिर्फ नाश्ता करें उसके अलावा कुछ और नहीं हुआ है। उसके अलावा हुआ है सिर्फ ट्रैवलिंग हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, और सिर्फ जूस वगैरह पिया था बस, वही जो हमारे हाइड्रेशन के लिए। तो गाइज अगर आप जब भी आओ कहीं पे भी ट्रैवल करो ऐसे लॉन्ग मतलब टूर के लिए, एक दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, तो आप अपने साथ वाटर बॉटल्स वगैरह रखा करो एंड कुछ खाने पीने की चीज़ें रखा करो, तो आपको बॉडी में थोड़ा एनर्जी मिलेगा कहीं पे भी ट्रैवलिंग के लिए। हमारा तो पूरा वाट लग गया ऐसे समझो, ये बैठे बैठे इसके तो बम की समझ जाओ। मुँह धो लेते हैं हम लोग, तो फिर हम मिलते हैं खाना खाते हुए, थोड़ा मुँह धो लेते हैं। पूरा इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दो आप। फ्रेश लग रहा है अभी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। खाने के लिए फटाफट पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में चढ़ान होने वाली है, बहुत लंबी चढ़ान होने वाली है। वैसे अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5:24 एंड 5:24 से लेकर अभी हाफ एन आवर समझ लो खाने पीने का हो जाएगा, एंड उसके बाद जो फिर हम ट्रैवल करने वाले यहाँ से वहाँ तक का, वो देख रहे हो गाइस ऊपर टॉप पे, वो समझ जाओ, बस समझ जाओ, बाकी तो आप समझदार हो। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि हम जाने वाले हैं इस टॉप पे, दिखा देता हूँ, इस टॉप पे जाने वाले हैं हम लोग, और यहाँ से फिर हमारी जर्नी चालू होगी, मतलब इस जगह से फिर ऊपर चढ़ के यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं गाइस 5:36 एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार जल्दी से जल्दी हम ये फटाफट खाने का प्रोग्राम ख़त्म करके ऊपर चढ़ें,
और एक चीज़ है गाइस, जो हमारे साथ दुर्घटना हुई है ये देख लो, मेरा अच्छा चश्मा जो मेरे लिए बहुत प्यारा था, सॉरी अरमान अगर आप देख रहे हो तो अरमान मेरा भाई, छोटा भाई, उसका चश्मा लेके आया था, तो बाइक वाला चढ़ के चले गया इसके ऊपर, फिर पीछे पलट के देखा क्या आवाज़ आया, तो ये ग्लास टूटा हुआ था इसके एक ग्लास गायब है, अगर ये पहन लूँ तो क्या हालत होगा छोड़ो यार तो फाइनली हमने ये एक छोटा सा ऑर्डर लगाई एंड हमने कुछ लाया था यहाँ पे खाने के लिए, मेरे मॉम ने पैक करवाया था रोटी भाजी, बट ट्रैवलिंग के वक्त में खाने नहीं हुआ, टाइम नहीं मिल पाया, बस में जो बैठे तो यहीं पे उतरे शाम के वक्त, तो खाना जा रही है, एटीएम नहीं है सबसे पहले तो और मुझे लगा था यहाँ पे एटीएम होगा और आ गया एक ऑर्डर, कैश कैश में निकाल के नहीं लेके, ये गलती हो गया मेरा, तो अभी जाएंगे मार्केट, नियरेस्ट मार्केट जहाँ पे एटीएम होगा वहाँ से हम लोग अभी कैश लेके आने का सोच रहे हैं, एंड गाइस डू कैरी कैश सीरियसली, अभी हमारा बहुत ही ये हो रहा है, इशू हो रहा है कि मतलब पैसे मैं लाया हूँ, मैं भी लाया हूँ एंड इसको भी कुछ ज़रूरत थे पैसे क्योंकि इसको कुछ लेने थे ऊपर से, तो इसने बोला था कि यहाँ पे कहीं मिल जाएगा एटीएम, बट टूरिस्ट स्पॉट है, एज ए टूरिस्ट स्पॉट आई थॉट देयर इज अ एटीएम एवरीवेयर अराउंड, तो नहीं मिला, कोई नहीं अब जाना पड़ेगा एंड लेके आना पड़ेगा, तो राइट नाउ आकाश पूछ के आया अभी वहाँ से अंकल से एंड क्या पूछा था बताया, अभी ये पूछ के आया तो उसने रिक्शा रुका दिया, मैं जा बैठ के 200 रुपये दे देना उसको, तो एटीएम जाऊंगा अगर वो एटीएम में नहीं पहुंचा पाया और एटीएम में कैश नहीं निकल पाया प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब देख रहे हो गाइस क्या हो रहा है इशू, डायरेक्टली कुछ प्लान करते हैं हम दोनों, पैसे तो निकालने ही कंफर्म है पर कैसे निकालना है, तो गाइस फाइनली सब चीज़ सॉल्व हो चुका है एंड ये कुछ किलोमीटर जाकर वापस आया, पैसे की जो लगी है यहाँ पे जिसको एहसास है हमें एहसास है, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ गाइस अगर आप लोग बिना कैश के आओगे और सोचोगे यहाँ पे एटीएम है तो मत रहना इस भरोसे पे, एटीएम का काम चालू है सब बोल रहे, कितने किलोमीटर गया था कितने किलोमीटर, रिक्शा वाले क्या बोल रहे थे 200 रुपये दे दो मैं आपको जाके छोड़ दूंगा लेके नहीं आऊँगा, 400 रुपये दे दो मैं आपको लेके भी जाऊँगा, 2 ATM घुमा भी दूंगा और वापस लेके भी आऊँगा, सीरियसली मेरा प्लान था कि शाम वक्त में हम चढ़ेंगे नज़ारे दिखाएंगे, पर नज़ारे के अंधेरे हैं यहाँ पे, कोई नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड हम लोग ने अभी स्टिक लिया है, 2 स्टिक लिया है एंड अभी अंधेरा है तो ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी होगा थोड़े बहुत हम फ्लैश लाइट्स वगैरह से शॉट डाल देंगे, एग्जैक्टली, तो चलो जर्नी टू द हाजी मलंग, मैं इसको बोल रहा हूँ चल सीधे से, नहीं हाथ हिला रहा है ऐसे ऐसे करके हाथ बढ़ा रहा है, हाथ हिला रहे बेटे, हाथ हिला दरगाह पे जा रहे, हाथ हिला बेटे, क्या नाम, अरे आप खींच ले रहे हो, नहीं पिछली खींचे जेब में नहीं हाथ डालता, फकीर दुआ भगवान के दरबार में है नहीं लेता कुछ, डाले के बाबा की पहला भंडार है मलंग के दरबार में है, मलंग के नाम से बनते हैं, तो गाइस देखा आपने क्या बात है, क्या निकाल रहा हूँ क्या कुछ निकाला बेटा, इसने क्या किया ऐसे पकड़ के खींच लिया मुझे, उसने ऐसे किया सॉरी, देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, तो इसी तरीके से आकाश के साथ घटना घटती है, कितना 2 रुपये कितने लोग हैं, 2 ही हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छा है, 2 रुपये मेहनत हमका अपना चढ़ के जाओ, शुरुआत हो चुकी है तो हम अब शुरुआत से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है इस जर्नी का फर्स्ट सीढ़ी एंड मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली पहुँच जाऊँ, पर इसे हाफने लगा, हाफने नहीं लगा, इसके टेंशन में मेरा दिमाग खराब हो गया था, थैंक यू, अभी बहुत कुछ चलना है, बहुत ऊपर जाना है गाइस, पी लेते हैं फिर बात करते हैं, चल चैनल को भी बहुत ऊपर लेके जाना है इसी तरीके से, राइट बोला है
लड़का कभी कभी राइट बातें कर लेता है। हमारा पहला मजार था वो ये है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस फाइनली पहला मज़ार कंप्लीट हुआ एंड अभी रात के बज रहे हैं 8:51, तो हमें फटाफट जाकर ऊपर पहुंचना होगा। कितने बजे स्टार्ट किया था? 7 या 7:30 स्टार्ट किया था कुछ शायद से, एंड अब बहुत बज रहे हैं 8:51, मतलब 9 बजने को आ गए। जाके रूम्स भी बुक करने पड़ेंगे, थोड़ा एनर्जी रिकलेक्ट हुआ है। हाँ, अब फटाफट चढ़ते और एनर्जी तो जाते हैं फटाफट। अच्छा लगा सीरियसली, बहुत फ्रेश फील हुआ। चलो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जो खुशी मिल रही है और थकान सीरियसली हट गया है पूरी तरह से, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये रात के वक्त का नज़ारा है अभी यहाँ पर, ऐसा है देख सकते हैं। यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है। आगे बताता हूँ मैं, मेरी सांस रुकी हुई है। क्यों बताता हूँ मैं क्यों सांस रुकी हुई? बाद में बोलता हूँ। नहीं मैं अभी बताता हूँ क्यों, क्या हो गया बताता हूँ, आगे की बातें बाद में करते हैं। तो गाइस फाइनली वी गॉट अ रूम एंड यहाँ पर जिस तरीके से हमें रूम मिला है ना गाइस, क्या बताएं सीरियसली। एक्चुअली मॉर्निंग से तो आप देख रहे हो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, बट जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हुआ ये कि जैसे हमने फर्स्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे रूम्स वगैरह होटल्स वगैरह, फर्स्ट हमने पूछा उनको कि रूम्स का क्या प्राइस है, तो उन्होंने बोला कि चादर लेंगे आप तो ही स्टे करने को मिलेगा। तो अगर आपको इन शॉर्ट अगर बोले तो आप चादर लोगे तो आपको रूम मिलेगा, रूम का चार्ज नहीं करेंगे, मतलब चादर का ही चार्ज करेंगे, ऐसा ऐसा है। मैंने बोला कि क्या प्राइस है वहाँ का बताइए ज़रा मेरे को प्राइस बताइए, तो उन्होंने बोला कि चादर का जो प्राइस है वो होगा 1500 रुपया 1600 रुपया ऐसे। तो मैंने बोला कि यार उतना तो नहीं होगा मेरा बजट उतना नहीं है। हम लोग जो घर से रिसर्च करके आए थे, जैसे हम लोग पूछ के आए थे कि हम लोग जो जाके आए हैं, उन्होंने बोला था कि 200-300 max to max 400। फिर हम लोग ने एक जगह पे इंक्वायरी किया, मतलब वहाँ से 1500 वाले से हट के 1500 वाले जो अंकल थे उन्होंने हम लोग को फाइनल ऑफर दिया 700 रुपये का। हम लोग ने बोला देखो हम लोग आते और हम लोग आगे सर्च करने गए, उसने फाइनल ऑफर दिया 400। और वो जो 400 है ना गाइस, किस तरीके से बोला हम जब यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उनको हमने बोला था कि रुको हम आते हैं आगे से, जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला मुझे 400, जो कि दरगाह के करीबी है वो, बट उन्होंने एक लॉज के लिए बोला था कि एक रूम होगा जो कि आपको हायर करना पड़ेगा रूम, और वो कैसा होगा कि मॉर्निंग तक का ही आपका पेड होगा। जैसे आप 400 रुपीज़ दे रहे हो तो मॉर्निंग में आपका ख़त्म हो जाता है टाइम, तो आप जा सकते हैं अपने बैग्स वैग्स लेकर। तो हम चाहते थे कि अपने बैग्स जहाँ पर रूम्स में रखे और थोड़ा ट्रैवल करके आए, क्योंकि कल का भी जो ब्लॉग होगा, मतलब जो बनेगा ब्लॉग आने वाला ब्लॉग दूसरा, तो उसके लिए हमें सामान बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि बैग्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बता देता हूँ जो एक्चुअल प्राइस है गाइस, अगर आप बोल रहे हो तो उनको बोलो मेरा जो बजट है 300-400 का ही बजट है, तो आपको मिनिमम आपको बोलेंगे कि काम करिए मैं आपको 500, मतलब अगर आप जैसे कि फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको थोड़ा बड़ा ही चादर लेना होगा, तो आपको फैमिली के लिए अच्छा खासा रूम मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि बेडशीट वगैरह सब चीज़ होगा यहाँ पे। और अब ज़्यादा लोग आते हो जैसे इन ग्रुप आते हो, सब लोग 100-100 भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, और अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। और यहाँ पे कैसा है ना रूम का, ये है कि अगर आप मॉर्निंग में रुकते हो, इवनिंग में रुकते हो, कितना भी रुको, मतलब कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा, बस ये जर्नी था गाइस। एंड मॉर्निंग में जो भी हुआ, एक्चुअली जर्नी में बहुत सारी रुकावटें आई थी, हम लोग की मिस्टेक से आप लर्न कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मिस्टेक्स था, हमारा मिस्टेक था, हम मानते हैं। बेचारा इतने किलोमीटर जाकर वापस आया है पैसे लेकर। नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है गाइस, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा इस जगह पे बताया जाएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग को देखो। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसके मुँह से ऐसा लग रहा है बहुत थक चुका है, एक्चुअली थक चुका है, क्योंकि ये रात भर जागा था, जॉब पे था नाइट शिफ्ट पे, और उसके बाद मैं मॉर्निंग को मेरे घर पे आ गया जी लेने के लिए।
आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. सी यू सून, स्टे ट्यून, लव यू गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. और एक चीज़ यहाँ का रूम भी बता देता हूँ, देखते हो तो दिखा देते हैं. तो सी गाइस, दिस इज़ द रूम्स एंड दिस इज़ द बैग. हम जो लेके आएंगे बैग्स वगैरह, रूम्स वगैरह, आकाश को भी लेके आए. लव यू, बाय. अभी क्या हुआ, गन्ने के गन्ने का जूस पिया ना हम लोग ने, तो उसका पैसा देना था. तो एक कस्टमर खड़ा था, उसको पैसा दे रहे भाई साहब. मेरे को क्या बताता अभी वो कस्टमर है कि गन्ने वाला है. गन्ने का जूस किसने दिया वो नहीं देखा तूने? नहीं देखा. आपको अंधेरा दिख रहा होगा गाइस, पर पैसा जमा कर दिया होता मैंने. यहाँ पर बहुत सीढ़ी और बहुत अनइक्वल है, देख ही नहीं रहा. स्टेप्स बहुत अनइक्वल है, सीरियसली अनइवन है. इसके लिए ज़्यादा पेन हो रहा है. अंधेरा है, बहुत अंधेरा. चलो अच्छा हुआ स्टिक का रीति रिवाज है.